हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लिपकार्ट तो यूज़ करते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे। तो जब भी हम लोग फ्लिपकार्ट से कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उससे फ्लिपकार्ट हमको कुछ ना कुछ सुपर कॉइंस के रूप में देता है। तो उन कॉइंस को हम लोग रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक या कहीं पेमेंट करनी है तो उनको उस तरीके से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है सुपर कॉइन का। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सुपर कॉइन्स का जो बैलेंस है वो दिखाएगा। ठीक, अभी मेरे पास देखिए जैसे 132 सुपर कॉइन्स हैं। इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए शॉपिंग भी कर सकते हैं 1 स्टोर 49 स्टोर। इसका मतलब ये है कि जैसे ये 1 स्टोर पे जाएंगे तो आपको केवल 1 रुपी पे करना है और बाकी जो भी पेमेंट होगी वो आपके कॉइन्स के रूप में जाएगी। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ₹1+1+450 कॉइन्स आपको यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज में ऑफ़र मिलते हैं, वॉचेस में मिलते हैं, ये बहुत सारे ऑफर्स जो हैं इसमें चलते रहते हैं। उस तरीके से आप इन कॉइन्स को जो है यूज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है, और या किसी पार्टनर से पे कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हैं और उसमें आपको जो है कॉइन्स के रूप में कुछ ना कुछ कैशबैक जरूर मिलेगा। अब बात यह आती है कि इन कॉइन्स को अर्न कैसे किया जाता है। देखिए, जब भी आप कुछ भी शॉप करते हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉइन्स जरूर फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलते हैं, ठीक है, वही कॉइन्स जो है आपके ऐड होते रहते हैं। प्लस इसके अलावा एक चीज़ और है जिनसे आप सुपर कॉइन को क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। ये देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है वीडियो का और एक ऑप्शन आ रहा है गेम जोन का। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स जो हैं उनको आप अर्न कर सकते हो। सबसे पहले आपको वीडियो सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे सोर्स चलते रहते हैं इनके, फेक और नॉट, प्राइज वाली पाठशाला, ठीक है। इस तरीके से आप इनके जब सोर्स ओपन करोगे तो उनमें कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 5 से 10 कॉइन्स हर एक एपिसोड में मिलते हैं। और जितने ज़्यादा आप इनको देखोगे आंसर का क्वेश्चन का आंसर दोगे उतने ज़्यादा आप इनको अर्न कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से। और मेगा विनर्स को बहुत बड़े बड़े इनाम भी मिलते हैं यहाँ से। अगर आपका आंसर एक्यूरेट होता है और जल्दी आप देते हो तो आपको और भी अच्छे प्राइज़ यहाँ से मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है गेम जोन। गेम जोन में क्या है, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ है, बस आपको यहाँ पे गेम खेलकर उससे जो रिवॉर्ड मिलते हैं उससे आप सुपर कॉइन को अर्न कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गेम्स दिए हुए हैं, उन गेम्स को यूज़ करके या प्ले करके आप उनसे जो प्राइजेस हैं वो जीत सकते हो। देखिए बहुत सारे प्राइजेस में दिए हुए हैं, तो इस तरीके का आप इसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं अर्न कर सकते हो, बहुत सारे प्राइज़ भी अर्न कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है विन फ्लिप सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स पे, जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट यूजिंग 50, यहाँ पे लिखा है गेट यूजिंग 80। तो ये अलग अलग तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे हंगामा म्यूज़िक का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है केवल 80 कॉइन्स देने पर, या फिर आपको एक्स्ट्रा 100 ऑफ ऑन ग्रॉसरीज पर मिल सकता है 30 कॉइन्स देने पर। इस तरीके का डिफरेंट तरीके से आप कॉइन को यूज़ करके बहुत सारे ऑफर का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको यूज़ करना चाहे उसको भी यूज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या आपके बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मोबाइल, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड। तो आप इन कॉइन्स का यूज़ करके उन वो सारे पेमेंट भी इसके थ्रू कर सकते। और हाँ, आप यहाँ पे स्कैन करके भी किसी को पेमेंट कर सकते हो। इनके बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं, इनके साथ उनका टाई अप है। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये ऊपर जो स्कैन वाला आइकन दिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो उनके शॉप या स्टोर पे स्कैन वाला जो लगा होता है उसको स्कैन करके आप उससे पेमेंट कर सकते हो इन सुपर कॉइन्स के रूप में। आपको कोई अलग से मतलब कि कहीं से बैंक के थ्रू या वॉलेट के थ्रू नहीं करना है, आपको बस इन सुपर कॉइन्स जितने भी कॉइन्स आपके पास हैं आप उन कॉइन्स का यूज़ करके आप वो पेमेंट उस आउटलेट पर, उस स्टोर पर कर सकते हो। सो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।